यूज करके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना सेल्स रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। अनबिलीवेबल लेवल पे कंपनी ने अपना सेल उठाया है ट्रेडिशनल में। वैसे ट्रेडिशनल टेक्निक को भी श्रीकांत जी के जरिए इस सिस्टम में लॉन्च किया जाएगा क्योंकि वो उसके मास्टर है। कभी आप बर्गर टेक्निक सुनोगे तो आपको सरप्राइज होगा, उस तरीके से अगर एक चीज को सामने पेश करते हैं तो सामने वाला 10 में से 9 लोग कहेगा यस मुझे ये चाहिए। तो ऐसी टेक्निक भी इसमें सिखाई जाएगी। तो इस तरह 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 का एजुकेशन इसमें दिया जाएगा। इसीलिए अपनी सिस्टम मॉलिक्यूलोपैथी की टीम एक बड़े लेवल पे आने जाएगी और बड़े पैमाने में पूरे हिंदुस्तान में इसके पैदल दिखेगी आपको, ये पक्की बात है। उस वक्त मॉलिक्यूलोपैथी प्रैक्टिस में डॉक्टर नहीं कहलाएगा लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं कहलाएगा, समाज में एक वैल्यू क्रिएट होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा होम्योपैथी साइंस। 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एमडी डॉक्टर बने थे। 1779 में सैमुअल हैनीमन एमडी डॉक्टर बने थे एलोपैथी में। लेकिन उन्होंने देखा कि एलोपैथी साइंस डेंजर है क्योंकि एक दवाई एक बीमार आदमी को देने से ठीक होता है, वैसे बीमार आदमी को देने से वो दवाई से वो मरता है तो तीसरा सीरियस होता है। थोड़े से केमिकल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थे तो उन्होंने देखा कि इमोशनल पर्सन होने के कारण ऐसा डेंजर काम मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और ट्रांसफ्यूजन का काम करते थे। और आज से 2500 साल पहले हिप्पोक्रेट नाम का एक आदमी हुआ वेस्टर्न कंट्री में, जिसको हम वेस्टर्न कंट्री का ऋषि कहेंगे। उन्होंने 2500 साल पहले हेल्थ पे जो कहा था उसका ट्रांसलेशन करने से सैमुअल हैनीमन, क्योंकि एमडी डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़कर ट्रांसलेटर बन चुके थे, और एक सेंटेंस लाइक प्योर लाइक ट्रांसलेट किया और वहां पे रुक गए। तो उन्होंने सबसे पहले एक पेड़ के अर्थ में से पेड़ के रूप में से बनाया, एक आदमी को पिलाया, मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए, दूसरे को चलते उत्तर में, फिर उन्होंने जिसको मलेरिया था उसको पिलाया तो अच्छे होने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने लाइक प्योर लाइक जिस दवाई के अंदर जो रोग के सिम्टम उत्पन्न करने की ताकत है वो दवाई उसी रोग को ठीक करने की ताकत रखती है हुआ। लेकिन 1779 से 81 तक उस टाइम पे जर्नी की, और 81 के पहले जिसको भी पता है डॉक्टर साहब को पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्लोमा इन होम्योपैथी के सर्टिफिकेट के आधार पर प्रैक्टिस करते थे। 225 साल लगा उसको रिकॉग्नाइज होने एज अ मेडिकल साइंस बनने के लिए, डॉक्टर की डिग्री के लिए। आज मॉलिक्यूलोपैथी की शुरुआत हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के कारण इसको 200 साल नहीं लगेगा। ये मॉलिक्यूलोपैथी उस लेवल पे हम पॉपुलर करेंगे कि आज भले आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता, आने वाले वक्त में वही सर्टिफिकेट पॉसिबिलिटी पूरी है 99% नहीं 100% कि आप भी डॉक्टर कहलाओगे। क्योंकि डॉक्टर शब्द का मतलब समझिए, डॉक्टर शब्द ग्रीक वर्ड डॉक्ट्राइन से आया है जिसका एक्चुअल मतलब होता है पंडित ज्ञानी विद्वान। अगर आप एक पेड़ के मास्टर हो तो आप डॉक्टर हो, इसमें किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नहीं। जो आदमी कुछ करता है उसके पास लोग अपने आप आते हैं, हुनर होना चाहिए। आज हुनर है लोग आएंगे, कल उस हुनर की वैल्यू होगी तो और लोग आएंगे। इस मुकाम से मॉलिक्यूलोपैथी प्रैक्टिस में की एक कोर्स अलग अलग तरह के चलाए जाएंगे, उसके जरिए ये सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 मिनट आगे मिलेगा कि आपको कुछ फाइनली कहेंगे और यहाँ पे हम फिर रुकेंगे 2 मिनट और मिल जाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी यहाँ का जो शेड्यूल है जो ऑर्गेनाइज किया तीनों लोगों ने, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं आउटस्टेशन में, पहले प्रोग्राम में इतने बैठे, क्योंकि हर जगह पे ऑल इंडिया जब हम लोग जाते तो 4 या 5 लोग मिलते पहले प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। और मुझे उनसे पहले मुझे यकीन है कि कल का ये क्राउड शायद यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं रही कल शाम के, क्योंकि अब परसों वही रिपीट होगा। तो एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है आपसे कि इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग हमारी शुरू होने जा रही है, मोबाइल हो सके तो स्विच ऑफ कर दीजिए, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। अब आए थे आज वो आ गए, बहुत अच्छी बात है। और इस सिलसिले में सामी की अगर हम बात करते हैं तो सामी की दुनिया में सबसे बड़े लीडर, इकलौते चेयरमैन होल्डर हमारे बीच बैठे हुए हैं, मिलना चाहेंगे? Yes. तो सर हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमें अपने मेहमानों का स्वागत कैसे करना पड़ता है। ठीक है सर, खड़े हो जाइए, जो लगता है उनका स्वागत करिए। है
कि इतने जोश के साथ, इतने उमंग के साथ आप ये सुनने के लिए यहाँ पर आए हो और एक ऐसे अभियान के बारे में जानने वाले हैं। ये एक अद्भुत अभियान है। क्या हर कोई हेल्दी रहना चाहता है? यस। अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए तो ये कहेगा कि मैं जिंदगी में कभी बीमार गिरना नहीं चाहता हूँ, सर अभी हेल्दी रहना चाहता है। तो हमारा अभियान बिल्कुल अमिताभ बच्चन के अभियान जैसा है। अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, बस दो बूंद जिंदगी के। किस चीज के लिए कहा जाता है? पोलियो के लिए। लेकिन इस पोलियो का अभियान आज से 20-25 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अमिताभ बच्चन को ये लगा कि ये काम अच्छा है तो उन्होंने साथ दिया और कामयाबी इतने हद तक मिली कि 2011 में एक भी पोलियो केस नहीं हुआ, यानी कि हम लोग पोलियो नाशक में कामयाब हो गए। यानी कि हमारी आगे वाली जनरेशन में किसी को पोलियो नहीं होगा। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन इस अभियान को चलाया था किसने? गवर्नमेंट ने और लोगों ने चलाया था। बस उसी तरह का एक अभियान है। इस अभियान का स्लोगन है बस थोड़े से मॉलिक्यूल जिंदगी के, थोड़े से मॉलिक्यूल जिंदगी के। इस अभियान को अगर हम चलाते हैं बड़े पैमाने पे तो हम तो बीमार गिरेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे आगे वाली जनरेशन में बीमार नहीं गिरेगी और हम इस अभियान में कामयाब हो जाएंगे, हेल्दी रहने वाले अभियान में। ये ऐसा अभियान है, हेल्दी रहने वाला अभियान है। और दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। और परिवर्तन क्यों होता है? परिवर्तन होता है रिवॉल्यूशन से। एक समय था हम वो काला टेलीफोन रिंग वाला यूज करते थे। कहां पर है आज वो? म्यूजियम में। आज हम मॉडर्न फोन यूज करते हैं। खटाखट चलने वाले टाइपराइटर की जब खोज हुई तो बहुत बड़ा हुआ करता था। लिखने का काम आसान हो गया, लिखने का काम आसान हो गया, कंप्यूटर आते आते लिखने का काम काफी कम हो गया। आज हम मोबाइल से टाइप करके भेज सकते हैं। बैलगाड़ी की खोज हुई तो आश्चर्य होता था, घोड़ा गाड़ी होना गर्व की बात थी। आज किसी को गिफ्ट दोगे तो घोड़ा गाड़ी लेने तैयार नहीं है, घोड़े को कहां रखेंगे, बाथरूम में भी जगह नहीं है। हम मॉडर्न कार यूज करते हैं। इस परिवर्तन के दौर में हम हर चीज में बदलाव ला चुके हैं। पहनना, बोलना, चलना, उठना, खाना पीना, हर चीज बदल गई है। अच्छी बात है, परिवर्तन को अपनाना चाहिए जिंदगी में जीना है। लेकिन इस परिवर्तन की दौर में और दौड़ में हम ये भूल गए कि एक खोज और भी हुई है। उस खोज को न समझते हुए आज भी हम उस पुरानी मान्यता में चलते हैं। कौन सी? बीमार गिरेंगे तब डॉक्टर के पास जाना। नया कंसेप्ट क्या है? बीमार ही नहीं गिरना है। वो अभियान मॉलिक्यूलोपैथी द्वारा चलाया जाता है। आज हम हिंदुस्तान में नंबर वन है, लेकिन किस चीज में नंबर वन है? बीमारियों में। WHO ने 2010 में कहा, 2006 में कहा था, WHO ने 2006 में कहा था पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज होंगे 2010 में उतने इंडिया में होंगे। आज हम 2012 में प्रवेश कर चुके हैं। यहां तक कि 2012 खत्म होने वाला है और हमने कल के बताया आज हम नंबर वन है डायबिटीज में। हर साल 25 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रही है, बाईपास कॉमन होते जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम। हर वो इंसान जिनकी उम्र 30 या 35 क्रॉस हो चुकी है, करीब करीब लोग पेट की बीमारी से परेशान है, उस मोड पे हम पहुंच चुके हैं। तो जो परिस्थिति आज हमारी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हवा, पानी और खुराक। शरीर की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट है। हवा में धुआं बहुत आ चुका है, पानी शुद्ध नहीं मिलता है, खाने की वो हर चीज में मिलावट है, तो होगा क्या? शरीर में प्रॉब्लम नहीं हो तो सरप्राइज हो। ऐसी कंडीशन में जीते हुए अगर कोई हेल्दी है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कब तक हेल्दी रहेंगे ये पता नहीं है। जो परिस्थिति आज हमारी है यही परिस्थिति 1980 के करीब अमेरिका की थी। अमेरिकन गवर्नमेंट चिंतित हुई, पार्लियामेंट में एक बहस चली कि साइंस हमारा तेजी से आगे जा रहा है या बीमारी तेजी से आगे जा रही है। तो पता चला साइंस जितना तेजी से आगे जा रहा है उससे ज्यादा तेजी से बीमारी आगे जा रही है। डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए?
कम होना चाहिए, लेकिन हुआ ये है कि डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़े। तो पार्लियामेंट में एक बहस चली और एक निर्णय लिया गया कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस वक्त के नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया और डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने अपनी टीम के साथ रिसर्च करके 1988 में गवर्नमेंट को एक डेटा सबमिट किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया दुनिया को पहली बार, क्या बताया, ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। कितने लोग 120 साल जीना नहीं चाहते हाथ ऊपर करो। ये जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो 120 साल जीना नहीं चाहते हैं, उनको उससे भी ज्यादा जीना है। तो बाकी लोगों ने हाथ ऊपर नहीं करके गलती की है, बट खुशी की बात है। तो क्या कहा उन्होंने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने, ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, हम 120 साल जी सकते हैं, कंडीशन 21.9% ऑक्सीजन, H2O प्योर वाटर, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन और एंजाइम मिले तो हम 120 साल जी सकते हैं। लेकिन हमें ये चाहिए, मिल क्या रहा है, हवा में धुआं, पानी में गड़बड़, खाने में मिला, तो क्या होगा, बीमारी होना है। अब ये रिसर्च की खबर अमेरिका के एक अखबार में छपी थी और जिस तरह हम और आप अखबार पढ़ते हैं उसी तरह सुबह में बैठकर चाय पीते हुए एक इंसान अखबार पढ़ रहे थे जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद, अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ के उन्होंने अपनी साइंटिस्ट की जॉब छोड़ दी, साइंटिस्ट की जॉब छोड़ दी। अब इनका पिछला इतिहास ये है, केरला के अंदर एक साधारण परिवार में जन्मे थे, पढ़ने में तेज थे, 1975 में बीफॉर्म करके स्कॉलरशिप से अमेरिका गए, वहां जाकर एमएस किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रहे थे और न्यूज पढ़ के जॉब छोड़ दिया और उसके बाद जो किया उसके बदौलत आज की इनकी पोजीशन क्या है, आज दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक गिने जाते हैं उस लेवल के जो दर्ज किया थॉमस अल्वा एडिसन, आइंस्टाइन, गैलीलियो या डॉक्टर सैमुअल हनीमन का है, उस दर्जे के महान साइंटिस्ट है। और अमेरिका से एक बुक पब्लिश है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, इसका मतलब होता है ब्रेन ड्रेन का कि एक इंसान अपने देश से दूसरे देश में जाता है, वहां काम करने लगता है, वहां के धनिकों में जब गिनती होती है ऐसे इंसान कभी अपने वतन वापिस नहीं आते हैं, उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। इस किताब में लिखा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 107 पीपल ब्रेन ड्रेन के शिकार नहीं हुए, उसमें से एक डॉक्टर मोहम्मद माजिद। इसी किताब के पेज नंबर 139 पर लिखा है कि अमेरिका के अंदर 120 प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने का श्रेय डॉक्टर मोहम्मद माजिद जी को जाता है। अगर आज अमेरिकन हेल्दी है तो इन्हीं के कारण, इसीलिए देखिए अमेरिकन ओल्ड पीपल लेडीज एंड जेंट्स काफी फिट है, लेकिन आपको पता होगा खाते क्या है, वो लोग रोटी नहीं खाते, वो लोग ब्रेड ही खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ऐसे ही सब खाके जीते, उसके बावजूद फिट क्यों है, ये खाने वाला तो बीमार होना चाहिए ना। लेकिन जो इन्होंने रिसर्च की है डॉक्टर मोहम्मद माजिद जी ने उसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसीलिए वो लोग फिट हैं और दीर्घायुष्य जीते हैं, उम्र बढ़ने के साथ भी बोझा उठा सकते हैं। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब को एलिस आइलैंड अवार्ड दिया। ये अवार्ड उस इंसान को मिलता है जो अमेरिकन नहीं है लेकिन जिसके कारण अमेरिकन जनजीवन प्रभावित हुआ हो, ऐसे इंसान को दिया जाता है और ये पहले एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला। अब जॉब छोड़कर सीधे हिंदुस्तान चले आए, जॉब छोड़कर साइंटिस्ट की जॉब छोड़कर हिंदुस्तान चले आए और हिंदुस्तान में आकर हिमालय कश्मीर साइड घूमकर देखा कि जो लोग हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं उसका सीक्रेट क्या है, जो लोग 70-80-90 साल में भी जवानों की तरह जिंदगी जी रहे उसका सीक्रेट क्या है। जब वो सीक्रेट उनको मिल गया तो वापस अमेरिका लौटे और 1988 में अमेरिका के अंदर सबिंसा कॉर्पोरेशन की स्थापना की। हिंदुस्तान से हर को भेजते रहे, कारोबार काफी आगे बढ़ा तो उन्होंने 91 में बैंगलोर तामीरस की स्थापना की और अपने हेडक्वार्टर को बैंगलोर बनाया। कारोबार आगे बढ़ा, 92 में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, 92 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, 93 में
92 में रिसर्चेज डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, 93 में क्वालिटी स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, और 94 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट अवार्ड मिला, जो सिर्फ 10 कंपनियों को मिलता है, उसमें से एक कंपनी थी। और 96 में इस पृथ्वी पर पहले मॉलिक्यूल का आविष्कार हुआ, पहले मॉलिक्यूल का आविष्कार 96 में हुआ। मॉलिक्यूल क्या है ये समझने के पहले हम ये देखेंगे कि दुनिया में चार साइंस का अस्तित्व है, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथ एंड होम्योपैथ। लेकिन हम भरोसा किस पे करते हैं? हम भरोसा एलोपैथ पे, यानी कि इंग्लिश दवाई पे करते हैं। कारण क्या है? एलोपैथी मेडिसिन की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन इसके स्टडी है, जिस स्टडी के जरिए, रिसर्च के जरिए हमें इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों पक्का मालूम है, लेकिन बाकी चीजों में हमें पक्का कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर साहब दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने आयुर्वेद की हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाला। सबसे पहले उन्होंने काली मिरी में से मॉलिक्यूल निकाला और उस मॉलिक्यूल का नाम उन्होंने खुद बायोप्रिन रखा। बायोप्रिन बायो एनहांसर है, पोषक तत्वों को सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। और 97 में पोर्सलिन नाम के पौधे में से निकलने वाले मॉलिक्यूल से वजन घटता है, तो घटता ही है, ये प्रूव हुआ। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला। ये अवार्ड कितना बड़ा है? जिस तरह बेस्ट फ्रेंड को ऑस्कार मिलता है, तो ये मेडिसिन का ऑस्कार है। और आज तक किसी भी दूसरी प्रोडक्ट को वजन घटता बोलिए कोई अवार्ड नहीं मिला है, ये प्रूवन है। और 99 में टीवी पर एक समाचार बड़ी तेजी से चलने लगा, हल्दी पे अमेरिका की सबिंसा कॉर्पोरेशन ने कब्जा कर लिया, हल्दी हमारे हाथ से गई, लोग चिंतित हो गए। लेकिन दूसरे दिन न्यूज में यह बताया गया हल्दी की रिसर्च बेंगलोर स्वामी लैब में हुई थी, स्वामी लैब से सबिंसा की मालिक है, हल्दी हमारे पास ही है। हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, जो एंटी कैंसरस है, तो एंटी कैंसरस है, 100 में से 90 कैंसर के मरीज ठीक होते हैं। एविडेंस क्या है? 45 रिसर्च वॉल्यूम। अगर जिसको किसी ने चौकड़ी मार ली तो वो दो पैर वाला नहीं, चार पैर वाला है। वर्ल्ड का सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है, कैंसर के इंस्टीट्यूट है दुनिया की सबसे बड़ी एंडरसन रिसर्च सेंटर, गूगल में देख सकते हैं। वो क्या कहता है? हम कैंसर को ठीक करते हैं कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से और सबिंसा से लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भरत अग्रवाल कैंसर का डॉक्टर है, गूगल में टाइप करिए, वो भी कहते हैं कि कैंसर के लिए कर्कुमिन C3 का उपयोग करिए, कैंसर ठीक होता है। कैंसर का मतलब ही कैंसर है। जिंदगी अगर दाव पे लगी है तो जिंदगी का दाव वहां खेलना चाहिए जहां सबसे ज्यादा रिसर्च हुई। तो आज की तारीख में कैंसर के लिए जो भी उपलब्ध है उसमें से बेस्ट ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च कर्कुमिन पर हुई है। ऐसा करते करते कंपनी ने आज की तारीख में 77 US इंटरनेशनल पेटेंट ले ली है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि जब 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आए तो पेटेंट मिलता है। FDA का मतलब ये होता है कि ये खाने के लायक है, इसको खाने से कोई मरेगा नहीं। आप खाइए, आप समझिए FDA और पेटेंट को। पेटेंट का मतलब ये होता है 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आए तो पेटेंट मिलता है। और दूसरी कंडीशन, रिसर्च को सबमिट करके 6 महीना इंतजार करना पड़ता है, आपकी बात को कोई काटता नहीं है ये देखा जाता है, आपने किसी की बात चुराई नहीं ये देखा जाता है, तब पैटर्न मिलती है। और तीसरी बात, एक पैटर्न लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपया लगता है। कंपनी ने 77 पैटर्न ली है, 250-300 करोड़ रुपया पैटर्न लेने के लिए लगाया है। इस तरह कंपनी ने 77 पैटर्न ले चुकी है, 150 के लिए अप्लाई किया है और करीब करीब इस पृथ्वी की 85% हर पैसे कंपनी मॉलिक्यूल निकाल चुकी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ये मॉलिक्यूल की कंपनी। नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट से पब्लिश एक किताब है, ये हर कल्टीवेशन का ज्ञान दिया गया है। असम गवर्नमेंट इस किताब को बेचती है, 500 रुपए में असम गवर्नमेंट से ही लेना पड़ता है। इस किताब में लिखा है कि स्वामी लैब, ये किताब कहती है कि स्वामी लैब हिंदुस्तान के अंदर 40,000 एकड़ जमीन में हर्ब की कल्टीवेशन करता है। दुनिया की सबसे बड़ी हर्ब कल्टीवेशन की कंपनी और पूरी दुनिया में
170,000 एकड़ जमीन में ये कंपनी हद का कल्टीवेशन करती है। कंपनी के पास हिंदुस्तान के अंदर NABL अथॉरिटी है, यानी कि किसी भी कंपनी को अगर हर एक्सपोर्ट करना होगा, चाहे जंडू चरक संडू कोई भी कंपनी हो, तो सामी लक्ष्य सर्टिफाई करता है तो वो कंपनी हर एक्सपोर्ट कर सकती है। ये अथॉरिटी सामी के पास है। कंपनी है ISO 22000, यानी कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट एक ही छत्र छाया में बनता है, साइड इफेक्ट नहीं है, पेटेंटेड है और न्यूट्रास्यूटिकल में पूरे एशिया में ओनली सामी लैब ISO 22000 है, बाकी कोई कंपनी ISO 22000 नहीं है। ये देखिए बैंगलोर में पिनिया के अंदर 17 एकड़ में कंपनी की खुद की लैबोरेटरी है, कंपनी की एक भी जगह किराए की नहीं है। 28,700 करोड़ की कंपनी की अपनी प्रीमाइसेस है पूरे दुनिया में, मालिक की 17 एकड़ में बैंगलोर में लैबोरेटरी है, हैदराबाद में 1,700 करोड़ की 2 मॉलिक्यूल बनाने की फैक्ट्री है, 2 मॉलिक्यूल बनता है फुल्ली ऑटोमेटिक, 2 आदमी ऑपरेट करते हैं, रॉ मटेरियल डालो 2,000 फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो एक जन ने मुझे कहा वाकई में 2 आदमी ऑपरेट करते हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है, वहाँ वॉचमैन भी है, फ्यूज भी है, ऑपरेटर भी है, ऐसे थोड़े लोग और भी है भाई, लेकिन टेक्निकल प्रोसेस को 2 जन ऑपरेट करते हैं। ये देखिए यूएसए उठा नीला बंगला, ये सब कंपनी की मालिकी की जगह, किराए का कुछ नहीं है, या जो भी फोटो देखोगे कंपनी की सब मालिकी है। ये लेबोरेटरी के फोटोग्राफ है, कंपनी इतना सेक्टर में काम करती है, वर्ल्ड की 32 बड़ी MLM कंपनी को ये कंपनी मॉलिक्यूल सप्लाई करती है, जैसे कि एमवे, हर्बललाइफ, बॉडी केयर, एवन को। एमवे को हर साल 60 करोड़ का बोनस दिया जाता है। और फार्मा कंपनी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी को ये फिनिश प्रोडक्ट बना के देती है, कंपनी का एक आई ड्रॉप मार्केट का उपलब्ध है, सोरेसिस की एक क्रीम उपलब्ध है, सिप्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, फाइजर है, रेमडेसिविर है, ऐसी सभी कंपनी को ये देती है। अगर कोई फार्मा वाला आदमी है तो उसे सामी लग चाहिए, वो जरूर सामी को हर कोई जानता है तो जानता है। वर्ल्ड की 10 बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी का अगर नाम लेते हैं तो 10 में से 5 को नेचुरल कॉस्मेटिकल यहाँ से दिया जाता है, नेचुरल कॉस्मेटिकल क्योंकि ये कोई बनाता ही नहीं है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। ये देखिए 94 से अभी तक टाइम टू टाइम अवार्ड मिलते रहे, जितने बड़े कमरे में हम बैठे हैं इससे बड़ा कमरा बेंगलोर में पीनिया में सिर्फ अवार्ड सर्टिफिकेट और मेडल रखने के लिए है। दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड इसी कंपनी को मिले आज तक। यहाँ लास्ट ईयर का ये दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी जब वियतनाम गवर्नमेंट को उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉलिक्यूल सप्लाई नहीं कर पाई तो वियतनाम गवर्नमेंट ने कहा डॉक्टर साहब को वियतनाम चले आइए, हम आपको जमीन देते हैं। और वियतनाम गवर्नमेंट ने कंपनी को 26,000 एकड़ जमीन दी और कहा यहाँ हर हुआ ये मॉलिक्यूल निकालिए, सारा मॉलिक्यूल हम ले लेंगे। तो यहाँ सीन देखिए, एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है हिंदुस्तान का झंडा लेकर, आज भी ये हिंदुस्तानी है, ग्रीन कार्ड नहीं लिया। यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 75 में अमेरिका गए थे, 75 से 88 के दौरान अमेरिका में थे, साइंटिस्ट का काम कर रहे थे, तभी भी ग्रीन कार्ड नहीं लिया था। एलिस आइलैंड अवार्ड का मतलब यह है कि आप भले इंडियन रहो लेकिन आज से अमेरिकन भी कहलाओगे, उस अवार्ड का नाम है एलिस आइलैंड अवार्ड, वो भी डॉक्टर साहब को मिला है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और एक छोटा सा सवाल पूछा, आउट ऑफ सवाल था कि जो मॉलिक्यूल आप $20 में हिंदुस्तान में बेचते हो उसे अमेरिका में $600 में क्यों बेचते हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन गोरों को पूछो जिन्होंने हमें 200 साल लूटा है, एक तो हिंदुस्तानी पैदा हुआ उनको लूटने वाला। और मजेदार बात क्या पता है, जब अंग्रेज आए थे तो बहुत बड़ी फौज और सल्तनत नहीं आई थी, एक छोटी सी टोली आई थी बिजनेस करने जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और 200 साल तक यहाँ हुकूमत की। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में मॉलिक्यूल को लेकर हुकूमत करेगी क्योंकि मॉलिक्यूल की जरूरत आने वाले समय में हर इंसान को होगी,
एक समय वो आएगा कि मोलेक्युलोपैथी हर जगह चलेगा और इतनी पॉपुलैरिटी होगी, हर इंसान को बताएगा कि मुझे जिंदा रहना है तो मोलिक्यूल तो लगेगा ही, क्योंकि हवा पानी और खुराक बिगड़ते ही जा रहे हैं और बिगड़ते ही रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। धुआं बढ़ी रहा है, रोज नई कार आ रही है ना, इतनी कार थी क्या कुछ साल पहले रोड पे? नहीं थी, अभी थी। कारों का मेला लगा है, इंसान से ज्यादा कार दिख रही है। कार की बात आई तो मैं कह दूंगा एक बात और, जिसे आप कार कहते हैं उसकी बहुत चिंता करते हैं, बराबर? तो मैं क्या बता दूं, इधर फोटो नहीं है, इसे कार कहते हैं, इसे बेकार कहते हैं, इसके लिए पैसा लगा, इसके लिए पैसा नहीं लगा, इसकी चिंता करते, इसकी चिंता नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है? क्या कर रहे हो बताइए? जिस इंसान को पैरालाइज हो गया उसने क्या चिंता की? जिसको कैंसर हो गया उसने क्या चिंता की? जिसके घुटने के उसने क्या चिंता की? जिसको अल्सर एसिडिटी पाइस हो गया उसने क्या चिंता की? कुछ नहीं करनी चाहिए, सबको पता करते कुछ नहीं है, है कि नहीं? इसीलिए तो इतनी बीमारी, इतना दुख प्रॉब्लम होता है संसार में, सबसे ज्यादा दुख का कारण बीमारी है। पूरी दुनिया में देखिए कारवाले कंपनी का, यूएसए, उसका जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, यूएई, फिलीपाइंस, अफ्रीका वगैरह जो लिखा है, ये एक गोले में समझिए। अगर लिखा है जर्मनी तो जर्मन गवर्नमेंट इस कंपनी को जानती है, मॉलिक्यूल बना के गवर्नमेंट को देती है, चाइना को देती है, वियतनाम को देती है, सभी को, गवर्नमेंट लेवल पे हर कंट्री इस कंपनी को जानती है। जिस कंट्री में कंपनी का कारोबार है, वहां कंपनी की छाप है, कंपनी की इमेज है, इतनी बड़ी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड का कारोबार बैंगलोर तामिलक हिंदुस्तान से ऑपरेट होता है और 76% इक्विटी हिंदुस्तान तामिलक के पास है, यानी वर्ल्ड का पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है और आता रहेगा। अब हम बात करेंगे हमारे मतलब की, जब मैं कहता हूं कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं तो मैं यानी कौन? मैं यानी ये शरीर नहीं, मैं यानी 60 ट्रिलियन से जिससे ये शरीर बना है, टेक्निकल हमारा शरीर सेल से बना है। अगर सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल्स बीमार तो बॉडी बीमार। इसीलिए एक आदमी कहता है हार्ट का प्रॉब्लम, तो मैं कहूंगा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, हार्ट के सेल्स का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं, किडनी के सेल्स का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम नहीं, लीवर के सेल्स का प्रॉब्लम है। तो आखिर में सब कुछ बॉडी के सेल्स ही है। अगर आपके सेल्स ठीक है तो डेफिनेटली आप ठीक रहोगे, कभी भी बीमार नहीं गिरोगे, ये पक्की बात है। तो इस सेल्स को समझने के लिए, सेल्स को समझने के लिए चार नियम समझने हैं। रूल नंबर वन, हमारे इस 60 ट्रिलियन सेल्स पे लगातार फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है। हजारों कारणों से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल नाम का केमिकल उत्पन्न होता है, हजारों कारणों से, धुएं से उत्पन्न होगा, ज्यादा एक्सरसाइज से उत्पन्न होगा, ज्यादा कम नींद से उत्पन्न होगा, खाने की गड़बड़ी से उत्पन्न होगा, तनाव से उत्पन्न होगा, कारण बल्कि हजारों कारण है, होता है। हजारों कारणों से फ्री रेडिकल नाम का एक केमिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑड पैर है, अपनी पैर को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो खुद स्टेबल हो जाता है, सेल्स में से इलेक्ट्रॉन कम होने से आर्टरी की वॉल में चेंज आता है, हार्ट होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो प्रेशर जो हो गया है वो स्लोली ब्लड घूमे उसके लिए दवाई दी जाती है, वो हाई बीपी की मेडिसिन को बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ब्रेन टू हार्ट ऑर्डर जाता है कि स्लो पंप करो, लेकिन क्या उस आर्टरी को रिपेयर किया जा रहा है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस आर्टरी की सेल्स का है जिसमें गड़बड़ी होने से बीपी हुआ। क्लियर? ओके। इसलिए बीपी होता है, लेकिन उस सेल्स के रिपेयरिंग के बारे में कभी नहीं सोचा जाता है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के बारे में सोचा जाता है। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है, तो आर्टरी में चिपकता है, ब्लॉकेज बनता है, और यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो इम्यूनिटी वीक होती है और बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। होता क्या है, इम्यून सिस्टम के सेल्स में गड़बड़ी हो रही है, और यही फ्री रेडिकल अगर सेल्स के डीएनए पे अटैक कर देगा तो कैंसर होता है, या ऐसी बीमारी जिस बीमारी के लिए डॉक्टरों के पास कारण और इलाज नहीं है, वो सारी बीमारी फ्री रेडिकल के डीएनए के ऊपर अटैक होने से होती है। जब तक हमारी उम्र 18 साल है
तब तक हमारे फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है। 18 साल तक की उम्र को बढ़ने की उम्र कहते हैं, 18 साल के बाद वाली उम्र को फैलने की उम्र कहते हैं। जब बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है और फैलने की उम्र शुरू होती है, तब हमारे शरीर की फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। तो 18 साल की उम्र के बाद हर इंसान ने एक बायो प्रोटेक्टर लेना चाहिए खाना खाने के आदेश के बाद, और 40 साल की उम्र के बाद ये बायो प्रोटेक्टर एक एक दो बार लेना चाहिए। रूल नंबर वन क्या सीखा? हमें फ्री रेडिकल से बचना है। बचने का उपाय बता दिया, दूसरा कोई उपाय है नहीं। पिछले 200 साल की खोज में सबसे बड़ी खोज है को एंजाइम। रूल नंबर टू क्या कहेंगे? फिट रहो। किसमें फिट रहना है? सेल्फ में। बचना किसमें? सेल्फ में। पहला रूल बचना, दूसरा रूल फिट रहो। सेल्फ में फिट रहना है क्योंकि हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। को एंजाइम क्या है? हम जो खाना खाते हैं रोज, उस खाने में से हमारा शरीर डेली 320 से 350 एमजी को एंजाइम बनाता है। लेकिन कब तक? जब तक हमारी उम्र 30 या 35 होती है तब तक। जैसे ही उम्र 30 या 35 क्रॉस हो जाती है, ये को एंजाइम 20 से 80 एमजी कम बनता है, तो कमी ही बनता है, कभी भी ज्यादा नहीं बन पाएगा। 20 से 80 एमजी कमी बनेगा। ये करता क्या है? इसका काम है हमारे शरीर के सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब होता है? जवानी में होता है। और जवानी की उम्र क्या है? 20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं। जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं। खुद से छोटे हैं तो क्या सोचते हैं? अभी इसे अकल नहीं आई है। खुद से बड़े हैं तो क्या सोचते हैं? ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, इसका नाम है जवानी। लेकिन जैसे ही 20 से 80 एमजी कम बनता है, जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं, वो जमीन पर लैंडिंग करते हैं, हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं, शरीर के बदलाव को महसूस करते हैं, मुट्ठी की ताकत कम होने लगती है, टांगों में जोर कम होने लगता है, उसका नाम है CO2। CO2 का दूसरा काम क्या है? एक तो एनर्जी प्रोडक्शन, DNA को हेल्दी रखना, DNA को रिपेयर करना। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी एंड मसल्स में होता है। अगर घुटने के मसल्स में CO2 कम होगा ना, तो लुब्रिकेंट कम बनने से गाड़ी घिसना शुरू होता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जिसकी उम्र 30 या 35 है ना, 35 कर उसके घुटने पे हाथ रखिए, ऐसा ऐसा करने बोलिए, ठीक ठीक है, काफी लोगों को एक अलग किस्म की आवाज आएगी, ठीक है ठीक। लेकिन वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता है। उसी को 3 साल बाद मिलोगे, थोड़ी सी आवाज अलग आएगी, हाथ रखिए ईरान पर, थोड़ी आवाज अलग आएगी, क्या कहेंगे? हाँ, ज्यादा देर खड़े रहता हूं ना तो मेरे घुटने थक जाते हैं। उसी को और 3 साल बाद मिलिए, हाथ रखिए, बोलिए हिलाइए पैर, आवाज और अलग किस्म की आएगी, तब वो क्या कहेंगे? हाँ, घुटने में दर्द होता है, एक्सरे निकाला है, डॉक्टर ने कहा है अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर उसी को मिलिए और आवाज बदलेगी, अब तकलीफ बढ़ गई। और कुछ साल बाद मिलोगे तो ऐसी आवाज आएगी, ऐसी आवाज आएगी, मैं आपको बता देता हूँ आवाज कैसी होगी, आप सब घुटने के डॉक्टर बन जाएंगे। हाथ रखिए और हिलाइए, अंदर से एक आवाज आती है, ध्यान से सुनना कैसी आवाज आती है। जैसे आपने हाथ रखा उसको कहा पैर हिलाइए, अंदर से आवाज आती है वाजपेयी 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 वाजपेयी, घुटना गया। जवाबदार कौन है? CO2। सोचा ही नहीं इसके बारे में कभी, अगर सोचते ही तो नौबत नहीं आती। और यही CO2 कमर और सर्वाइकल के मसल में जब कम होता है तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। शोल्डर मसल में कम होने से शोल्डर जाम होता है, फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और हार्ट में कम हुआ तो हार्ट प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है। किडनी और लिवर के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए क्या कहा है स्लोगन? 30 साल की उम्र के बाद अगर रोज एक CO2 खाते हैं और 40 साल की उम्र के बाद एक एक दो बार खाते हैं,
तो आपके हार्ट लिवर एंड किडनी नहीं खराब होंगे तो नहीं खराब होंगे। इसलिए सीओक्यू के लिए स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सीओक्यू, क्योंकि हार्ट लिवर एंड किडनी ठीक है तो आप ठीक है ना। क्योंकि हार्ट का काम क्या है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन, और पूरे शरीर के कोने कोने तक ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के जरिए सारे पोषक तत्व पहुंचेंगे। लीवर 500 से ज्यादा केमिकल बनाता है जो जरूरी है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, तब हमेशा हेल्दी रहोगे। तो जीवन के साथ भी हेल्दी रहते, जीवन के बाद भी क्यों, बहुत हेल्दी थे, बहुत कमाया, बहुत छोड़ के गए, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी पगार भी भर देते, बचत भी भरते, बढ़ते ही जाते, बढ़ते ही जाते, बढ़ते जाते। उसके लिए क्या करेंगे, जीवन के बाद ही। हाँ, किसको मिलेगा क्या मालूम, पैसा भर रहे हो ना, उसको फायदा होगा कि नहीं पता नहीं है। तो सीओ क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1 बचो, रूल नंबर 2 फिट रहो, देखा हमने रूल नंबर, रूल नंबर 3 पहला रूल है मैं बाहर से सुरक्षित हूं, मैं फिट भी हूं लेकिन मुझे खाना तो चाहिए ना, मुझे यानी सेल्स को, तो हमारे सेल्स को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। ये बात डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने 1988 में बताई थी, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिली थी। और 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन इस पृथ्वी पे ओनली एंड ओनली ब्लू एल्गी में मिलता है, जिसे स्पिरुलिना कहते हैं। मार्केट में भी स्पिरुलिना मिलती है लेकिन वो ग्रीन एल्गी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्लू एल्गी आज से 200 करोड़ साल पहले समंदर में उत्पन्न हुई एक वनस्पति है। कछुआ जिसको खाता है इसीलिए 300 से 500 साल जीता है, कभी बीमार नहीं गिरता है, 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है, और इंसान पता नहीं 70 साल की उम्र में कहां होता है, ढूंढने पर भी वापस नहीं मिलता। ऐसा ही अद्भुत प्रोडक्ट है। 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली, 10 के बाद एक, 15 के बाद एक एक दो बार, 30 के बाद एक एक 3 बार। इसका काम है हमारे सेल्स को पोषण देना। पहला रूल बचो, दूसरा रूल फिट रहो, तीसरा रूल पोषण देना है सेल्स को, और चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल क्या है, सेल्स के सराउंडिंग बॉडी में कई टॉक्सिन है जिसको बाहर निकालना जरूरी है, शरीर के टॉक्सिन को। ये कंप्लीट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, आधी या दोरी बात नहीं है, पूरा का पूरा परफेक्ट कायाकल्प, परफेक्ट फिट रहने की विद्या, जिसको मॉलिक्यूलोपैथी कहते हैं। कार की सर्विसिंग हम साल में 3 बार क्यों करते हैं, इसलिए कि सफर में हमें धोखा न दे। ये शरीर रूपी गाड़ी 120 साल के सफर पे निकली है, रास्ते में धोखा न दे, इसलिए इस गाड़ी की भी सर्विसिंग जरूरी है। पेट्रोल पंप पे जाके क्या कहते हैं, फुल कर दो, शादी में जाके डबल कर दो, क्योंकि ये टांटी बलून जैसी होती है, फूलती है। 10 रसगुल्ले खा लिए, 10 गुलाब जामुन खा लिए, क्यों, घर पे तो लाती है 10 मिनट के लिए दोनों खाना, तो मुझे एक जल्दी धीरे से काटने का फ्री में मिलता है। बात वो नहीं है फ्री में मिलता है, असली बात यह है कि इंसान जब पैदा होता है तब उसे एक आशीर्वाद मिलता है कि बेटे जिंदगी में सब कुछ कर पाओगे लेकिन अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं, खूब खा लेते हैं, फिर अपने आप को उपदेश देते हैं, ये तो नहीं खाना चाहिए था, वो तो नहीं खाना चाहिए था, इतना तो नहीं खाना चाहिए था, महात्मा बन जाते हैं, ज्ञानी हो गए, अरे अभी समझ में आ गया, लेकिन दोबारा वही गलती, ऐसा दोहराते जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में गलतियां होते रहती है, और हम लोग संसारी इंसान है, हमें तो बर्गर भी चाहिए, पाव भाजी भी चाहिए, पिज्जा चाहिए, पकौड़ी चाहिए, पूरी भाजी चाहिए, है कि नहीं, तो ये नहीं खाएंगे तो मतलब भी क्या है जिंदगी का। तो टॉक्सिक प्लस एक अद्भुत महायोग है, ये बड़े बड़े योगियों को भी उपलब्ध नहीं है। ये लीजिए, रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद एक गोली, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाएगा, साल में 3 सर्विसिंग। ये मैंने आधे लोगों के लिए कहा, बाकी आधे लोगों ने रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद एक गोली, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का, साल में 3 बार सर्विसिंग करो, वेरी गुड। पहली सर्विसिंग करके देखो 1 महीना, कुछ लोगों को एक गोली से परिणाम नहीं आया तो कुछ लोगों को 100 में से 2 या 3 लोगों को 2 गोली खानी पड़ेगी, आपको 2 खानी पड़ेगी। क्लियर,
ये चार प्रोडक्ट हर इंसान को उम्र के हिसाब से लेना ही है। अभी कोई रखे पहले थोड़ी सी देखिए, बंबई के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट होते हैं, भले 1 करोड़ का आपका फ्लैट हो लेकिन उसका 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ता है। फ्लैट भले 1 करोड़ का हो, अगर मेंटेनेंस नहीं भरेंगे तो नोटिस आती है सोसाइटी से, आपके ऊपर नोटिस आ जाती है, केस चलता है, भरना पड़ेगा पैसा, नहीं भरा तो नोटिस आती है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके फ्लैट से आपका शरीर 10 गुना गिनती है या नहीं है? है ना, तो ये 0 मेंटेनेंस में चल रहा है, वो 4 प्रोडक्ट मेंटेनेंस है, वो 4 प्रोडक्ट मेंटेनेंस है उम्र के हिसाब से। अगर मेंटेनेंस नहीं भरोगे तो नोटिस आती है, उसी नोटिस का नाम कोलेस्ट्रॉल है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लकवा है, ब्लॉकेज है, पता नहीं, कभी कभी तो ऐसी नोटिस आती है, चलो भाई खाली करो खाली करो, वाकई ऐसी नोटिस आती है। और आपको पता है ना, धीरूभाई अंबानी दुनिया के रईसों में थे, जितने डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया के रईसों में थे एक है, उसके 23वें दिन एक नोटिस आ गई, उस नोटिस का नाम था पैरालिसिस, कभी नहीं ठीक हुआ। पैसा काम आया क्या? पैसे से इलाज नहीं होता है, मेडिक्लेम भी पैसा ही देता है, इलाज नहीं करता है, पैसे से इलाज होगा तो पैसे वाले बीमार नहीं गिरते हैं। अगर जिंदगी जीनी है तो खुद को समझना होगा, खुद से सेल्फ केयर भी रखना होगा, खुद ही समझना होगा, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, आप ठीक रह सकते हैं चाहो, डॉक्टर तो बीमारी होने के बाद इलाज करेगा, लेकिन आप बीमारी मत गिनने दो अपने आप को, ये सबसे बड़ी चीज है। बीमार गिरने के बाद डॉक्टर के पास जाना, उनसे अच्छा बीमारी नहीं हो तो बस वो फॉर्मूला हमने आपको बता दी ऑलरेडी, उसको फॉलो करिए। कब तक फॉलो करना है वो तो आप समझ गए ना, अगर आपके पास फ्लैट है तो कब तक मेंटेनेंस भरना पड़ता है? जब तक फ्लैट है, जब तक शरीर में रहना है मेंटेनेंस भरो अच्छे से रहना। चलिए आगे, अब कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने प्रॉब्लम के ऊपर भी डेवलप किए हैं, ये पतले होने के लिए प्रोडक्ट है लीन गार्ड कैप्सूल। सुबह में नाश्ते के आधे घंटे पहले एक, रात को खाने के आधे घंटे पहले एक गोली लेनी है। इसी प्रोडक्ट को थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, जिस तरह बेस्ट फिल्म को ऑस्कर मिलता है तो थॉमस अल्वा एडिसन। अब बात करेंगे प्रोटीन, बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का होता है, 1 किलो वजन के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो हमें रूटीन के रोज के खाने में से नहीं मिलता है, इसीलिए मार्केट में प्रोटीन को लेकर 500 से ज्यादा कंपनी आ गई। लेकिन फिर एक समस्या पैदा हुई, अगर प्रोटीन पचता नहीं है तो नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन आपके शरीर को नुकसान करता है, किडनी को भी नुकसान करता है। सामी लैब रिसर्च की कंपनी है, ये रिसर्च कर रही थी कि इस नाइट्रोजन का क्या करना, और रिसर्च करते करते कंपनी को कामयाबी मिली, कंपनी ने एक मॉलिक्यूल ढूंढ लिया, जिस मॉलिक्यूल का काम है नाइट्रोजन को दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट करना और प्रोटीन को बचाना, और उस मॉलिक्यूल का नाम है DIB, कंपनी का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, जिसका फुल फॉर्म है डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लैक। वो मॉलिक्यूल मिलने के बाद कंपनी ने प्रोटीन बनाया, यानी कि सामी के प्रोटीन में ही DIB है, और दुनिया का बेस्ट प्रोटीन इसलिए है कि ये नाइट्रोजन को दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट करके प्रोटीन को बचाने में मदद करता है। ये बना है 30% वेट प्रोटीन और 70% सोया आइसोलेट एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर अनेक प्रकार के विटामिन हैं जो शरीर के कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन A, D, E, K, ए आंखों के लिए, डी हड्डी के लिए, ई हार्मोनल बैलेंस और मसल के लिए, सी इम्यूनिटी के लिए, और बी ग्रुप के विटामिन ब्लड और नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोटिन जो आपके नाखून को मजबूत बनाता है और बाल कम है तो घने हो जाएंगे। इसके अलावा कई उपयोगी मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है। जो लोग पतले होना चाहते हैं उन्होंने एक बार का खाना छोड़कर 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेना है और लीन गार्ड कैप्सूल फॉलो करना है, टॉक्सिक प्लस लेना है। लेकिन जो पतला आदमी है वो इसको नॉर्मल खाने के साथ, मतलब सुबह नाश्ते में लिया बाकी जो खाना है खाए, तो उससे क्या होता है, दुबला आदमी इतने दुबला है उसके मसल बिल्ड नहीं है, मोटा इतने मोटा है मसल ढीले डाले चलिए आराम से बैठिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंपनी का, वो है ओमेगा बायो प्लस। मार्केट में ओमेगा बहुत सारे अवेलेबल है, फिश ऑयल से बना है,
ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ ओमेगा है, ये लेने से हमें EPA और DHA मिलता है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, इसीलिए हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम और मसल स्ट्रेन के लिए अच्छा है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। और हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है और इसमें DHA है, इसलिए अल्जाइमर, पैरालाइज और नव संबंधित बीमारी के लिए बेस्ट है। जिन बच्चों की याददाश्त अच्छी नहीं है और जिनकी उम्र 10 साल ऊपर है, ऐसे बच्चे को रोज अगर एक गोली दी जाए तो एक साल में उसकी याददाश्त अच्छी होगी। और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसको दिया जाए तो 6 महीने में हैंड राइटिंग बदलती है। बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी, वो हमारे पास है, अद्भुत फ्रेश प्रोडक्ट। हिंदुस्तान में हम नंबर 1 है इस बीमारी में। टाइप 2 डायबिटीज के लिए ग्लाइकोजेन कंपनी ने रिसर्च किया, इसके अंदर कंपनी का पेटेंटेड मॉलिक्यूल सिल्बिनॉल और मोमेडिसिन है। जब कंपनी की रिसर्च कंप्लीट हो गई तो कंपनी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रायल देने को कहा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 239 टाइप 2 के केस हाथ में लिए और 239 को फायदा हुआ। और इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है? इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी है, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, जो डॉक्टरों का दादाजी है और जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता है। वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो www.silbinol.com पे जाइए। कंपनी के जितने मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग वेबसाइट है, सिर्फ www.com आगे पीछे लगा दीजिए, हो गया काम। 150 से ज्यादा वेबसाइट है, सारे रिसर्च पेपर मौजूद है। पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। जो लोग इस कंपनी का काम पढ़ के शुरू करना चाहते हैं तो हम लोग 7 साल के बाद मिलेंगे। चलिए लेडीज के लिए डेवलप किया गया दुनिया का पहला नेचुरल हार्मोनल बैलेंस का प्रोडक्ट। और 40 साल की उम्र के बाद लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंज आता है, इसीलिए एलोपैथी में भी आज से 10 साल पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी, उसके कुछ साइड इफेक्ट होने के कारण वो पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन ये पहला नेचुरल हार्मोनल बैलेंस का प्रोडक्ट है। 40 साल की उम्र के बाद लेडीज के अंदर एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है, इसके कारण लेडीज का शरीर का सिर्फ पहले ऐसा रहता है, एस्ट्रोजन कम होने से उल्टे में क्लास जाता होता है। एस्ट्रोजन कम होने से बोन में से भी कैल्शियम बाहर निकलता है, बोन डेंसिटी कम होती है और बोन वीक होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कई लेडीजों के केस में पाया गया है कि गिर जाने से लेडीज के पेल्विक जॉइंट टूटने के किस्से बहुत है। और जब हार्मोनल चेंजिंग का पीरियड चलता है 40 के करीब, मेनोपॉज आने वाला होता है, उस वक्त लेडीज के अंदर शरीर में काफी तकलीफें होती है, कभी खूब भूख लगना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागल बन। तब आदमी कहता है आपको पहले जैसी नहीं है। हकीकत है ये, स्वभाव बदलता है, आदमी समझ नहीं सकता इसको क्या हो गया, जब मैं तुझे लाया था तब तक तू ऐसी नहीं थी, शादी करके फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और मैक्सिमम केस में यही कारण है डिवोर्स होने का। इसलिए ये प्रोडक्ट हार्मोनल बैलेंस करके काले कोट वाले से बचाता है। 40 साल के ऊपर तकलीफ है तो 2 बार लेना है, तकलीफ नहीं है तो भी रोज एक गोली 3 साल तक फॉलो करना है। जॉइंट के लिए R3 पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इराफ्लेक्स लिख के देते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है वो, 280 रुपए की 10 गोली है, बहुत अच्छी गोली है, लेकिन उससे कम दाम में और 2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है इसमें, बायोप्रिन एंड कर्बोमिन, कम दाम वाली। और बोसवेलियन सभी को अपनी कंपनी देती है, उसमें भी बोसवेलियन सभी की पेटेंट आप गूगल में देख सकते हैं। 20 और 30 साल की उम्र के बीच ये एक गोली रोज खानी है और 30 साल के ऊपर वाले को एक एक गोली 2 बार। इस प्रोडक्ट को 2 महीना खाने का, 2 महीना नहीं खाने का, या तो 1 महीना खाओ 1 महीना बंद खाओ, 1 महीना बंद करना होगा। कर्बोमिन सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, हल्दी में से 5% निकलता है, ये एंटी कैंसरस है तो एंटी कैंसरस है, 100 में से 80-90 पेशेंट ठीक होते हैं तो होते ही है। रिसर्च के 45 वॉल्यूम है। एक किस्सा बताना चाहूंगा, ये 37 ईयर का आदमी है, लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा, कभी नहीं ठीक होता है। इसके जब ये मेरे पास आए थे, इसके साथ एक पढ़ा लिखा फार्मा वाला आदमी था,
पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे भी मदद होते हैं, जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था उसने सेकेंड वॉल्यूम मैंने पढ़ने दिया, वो पढ़ के उन्होंने निर्णय लिया कि वो बंद करके ये शुरू किया कर्को में और सीओक्यू रिजल्ट सामने है डेढ़ महीने बाद। नेक्स्ट लाइन में देखोगे साढ़े तीन महीने बाद पेशेंट हो गया क्योर। लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा किसी भी डॉक्टर को पूछिए ठीक नहीं होता है, ठीक हो गया। टाटा ने रिपोर्ट लिख के दी, इसके बाद दो रिपोर्ट और निकल चुकी है, पेशेंट आज 100% नॉर्मल। ऐसे पांच रिपोर्ट मेरे अपने पेशेंट के हैं मेरे पास, लेकिन इन रिपोर्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो रिसर्च वॉल्यूम है, क्योंकि रिसर्च किया जाता है 100 पेशेंट बाद में लेके और तब उसमें 83 को फायदा होगा तो पेटेंट मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कैंसर मतलब जिंदगी अगर दाव में लगी है और जिंदगी का दाव खेलने की नौबत आए तो जिंदगी का दाव वहां खेलना चाहिए जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई हो। तो इस पृथ्वी पे कैंसर के लिए सबसे ज्यादा रिसर्च कर्कुरमिन के ऊपर हुई है, और कर्कुरमिन एंटीवायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, मसल डैमेज हुए हैं, चोट लगी है तो उसको रिपेयर करता है, हीलिंग फास्ट होता है, एंटी ट्यूमर से बाहर फोड़े खुलती है, या ब्रेन में ट्यूमर या कहीं ट्यूमर है तो डिजॉल्व करने की क्षमता ये रखता है, लेकिन लेने की क्षमता होनी चाहिए, जरूरत है। रिसर्च हुआ है, पढ़ो ना, इसकी भी वेबसाइट है कर्कुरमिन, ये देखा ना कर्कुरमिन C3 पावर www.कर्कुरमिनC3power.com जाइए पढ़िए, बहुत पेपर है, पढ़ते तक क्या होंगे इतने है। अब देखिए बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ आने के पहले आते आते मैंने कंपनी के सीईओ राजेश कुमार से बात की, अभी तक राजेश कुमार जी कंपनी के सीईओ है, बहुत ही काबिल और ब्रिलियंट आदमी है, उनको मैंने कहा कि हम अभी आज इलाहाबाद में शाम को मीटिंग है, तो उन्होंने कहा कि सभी को कंपनी की तरफ से 8,000 के प्रोडक्ट फ्री दिए जाए, अच्छी बात है कि नहीं। तो आज कंपनी की तरफ से 8,000 के प्रोडक्ट फ्री, एक दिन यहाँ की 5-स्टार में की ट्रेनिंग फ्री, ऐसी सब बातें आदमी पीने के बाद करता है। इसीलिए कंपनी ने पीने वालों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया। दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे पहले ही खोली, रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले ही खोली, ऐसा किया तो ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। इसलिए ये भय में से बचाता है और शरीर को होने वाले नुकसान से बचाता है। वैसे तो शराब ना पियो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई शराब छोड़ नहीं सकता है तो बचने का तो ऑप्शन है कि नहीं, शराब छोड़ नहीं सकते तो साइड इफेक्ट से तो बच सकते ना, तो बचो, जिंदगी की मजा लेनी है तो गोली खाओ, शराब की मजा लेनी है गोली खाओ, लेकिन इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, स्लगी लिवर, इंडाइजेशन, डका रहना, खाना नहीं पचना, वो सब में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए है ये साथ में। दो प्रोडक्ट की स्लाइड नहीं है, एक प्रोडक्ट है क्रैमेक्स, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से बना है, ये लेडीज एंड जेंट्स के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ई कोली नाम के बैक्टीरिया से होता है, और ई कोली नाम के बैक्टीरिया बाल जैसे पतले होते हैं, यूरिनरी ट्रैक के वॉल पे चिपके होते हैं, वही इन्फेक्शन किडनी की ओर बढ़ने से किडनी खराब होती है। क्रैनबेरी जो है, क्रैनेज जो है, वो उस बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक से निकाल के बाहर फेंकता है। रिजल्ट अनबिलीवेबल, मैक्सिमम केस में एलोपैथी से भी फास्ट, प्रूवन है, रिसर्च हुई है, और किडनी स्टोन निकालने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, और जिन लोगों ने बहुत सारी एंटीबायोटिक खाई है या बहुत इंग्लिश दवाई खाते हैं उसको भी ये लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है किडनी फंक्शन इंप्रूव करके। और आखिरी प्रोडक्ट है IgG+। IgG+ क्या है? IgG क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कहते हैं माँ को कि इस बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पीना चाहिए, है नहीं, हर 2 घंटे में दूध पिलाइए, तो माँ उस बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाती है, तो पहले 3 दिन में वो 30 से लेकर 36 बार दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं, उस दूध के जरिए बच्चे को वो ताकत मिलती है
ग्रोथ फैक्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर और कुछ ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उसका विकास होता है। अगर वो सारे तत्व अगर जिंदगी भर चले तो इंसान जब तक जिंदा है बीमार नहीं गिरेगा। लेकिन जिस परिस्थिति में हम जीते हैं, माँ के दूध से मिली हुई ताकत जिंदगी भर नहीं चलती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसमें ये मॉलिक्यूल वीक हो जाते हैं, माँ के दूध से मिले हुए मॉलिक्यूल। तो फिर से माँ का दूध चाहिए, मिलेगा नहीं। तो साइंस ये खोज रहा था कि ये कहां से मिलेगा, तो साइंस को पता चला कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो पहले 3 दिन के दूध में वही सारे तत्व है जो माँ के दूध में है और 4 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसका वर्णन चरक शुश्रुत में किया गया है 5000 साल पहले, आयुर्वेद इसे गो पीयूष कहता है। 19वीं सदी के अंदर इसको व्हाइट ब्लड कहते थे, 18वीं सदी में व्हाइट ब्लड कहते थे, 19वीं सदी में 1950 के करीब अमेरिका के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपयोग होता था। रशियन डॉक्टर लोग इसको इन्फेंट डायरिया और बच्चे की बीमारी में उपयोग करते थे, लेकिन साइंस ने तरक्की करके इतना ढूंढ लिया कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ग्रोथ फैक्टर और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो इंसान का कायाकल्प करता है। इसके ऊपर पूरा एक अलग से सेशन भी होता है, डिटेल वाला प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल ट्रेनिंग भी है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर हम साल में 1-2 बोतल खाए तो उस माँ के दूध की ताकत को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। बच्चा जब चूस के दूध पीता है, पहली बार माँ का दूध बच्चे की टंग पे टच होता है, बॉडी के 50 ऐसे कार्य उसी वक्त शुरू होते हैं जिस तरह की एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया हो। और जिन्होंने कभी तमाकू नहीं खाया, वो एक कतरा टंग के नीचे रख के देखे, दिन को तारे दिखेंगे, रात को सूरज दिखेगा, वह इंसान 10 कतरे कैप्सूल में डाल के निकल जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जब किसी को अचानक चेस्ट पेन होता है तो डॉक्टर क्या करते, टंग के नीचे रखकर चूसने वाली गोली देते सॉर्बिट्रेन, और 20 सेकंड में पेन गायब होता है। तो कंपनी ने ये प्रोडक्ट भी चूसने वाला बनाया क्योंकि कम बच्चा चूस कर ही ये तत्व लेता है, तो चूस के खाने वाला ये प्रोडक्ट है। 5.5 महीने की उम्र के बाद आधी गोली, 2 साल के बाद आधी आधी 2 बार, 4 साल के बाद 1-1-2 बार। तो हम लोग भी साल में 1-2 बोतल उसको खा सकते हैं। इस तरह हमने टोटल 14 प्रोडक्ट देखे हैं। नेक्स्ट मंथ में 2 प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाला है, फेयरनेस क्रीम, वाकई में इंसान का कलर चेंज होता है। और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हीरोइन का जो है श्रीदेवी है, इनका एग्जाम्पल देखिए, अभी वो एकदम ये 2 महीने एकदम गोरी दिखती, कैसे हुआ? तो जिस स्किन लाइटनिंग का जो मॉलिक्यूल है उसकी खोज सामी रत्न की है, शायद आपकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सामी रत्न की एक खोज है कि स्किन का कलर कैसे लाइट किया जाए। उस किस्म के मॉलिक्यूल ऑलरेडी ये कंपनी दूसरों को देती है, जो लोग प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में देते हैं कंपनी मॉलिक्यूल देती है, लेकिन अब कंपनी खुद भी ऐसा प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ रही है और डेट आपको बता देंगे, लेकिन 19 तारीख को इसकी लॉन्चिंग है। 2 प्रोडक्ट की फेयरनेस क्रीम एंड डे एंड नाइट प्रोटेक्शन क्रीम का लॉन्चिंग होने वाला है। इस तरह 14 प्रोडक्ट और थे, 2 या 3 प्रोडक्ट अभी और आ जाएंगे। ऐसे हर 2-3 महीने में 2-4 अच्छे यूनिक प्रोडक्ट रिसर्च पे लॉन्च होते रहेंगे और हमारे लिए जो जो जरूरी हो सारी चीजें आने वाली है, ह्यूमन बॉडी के लिए जो जरूरी है। इस तरह अब हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की, क्योंकि आज अभी मेरा ये सेशन खत्म होने के बाद श्रीकांत जी आपको कुछ यूनिक बात बोलेगी जो कल इन्होंने बोला नहीं था, वक्त कल मैंने काफी ले लिया था, कल मैंने अलग ढंग से कहा था, आज ही अलग तरीका है, ठीक है? अभी हम प्लान देखेंगे। 3 किस्म से इसमें आप एंटर हो सकते हैं। 2800 के MRP के प्रोडक्ट लेने थे, आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है, सेविंग अकाउंट होता है, ₹500 यहाँ पे 300 स्पॉन्सर 1700 1,30,000 रुपया मिलेगा। कंपनी ने अब क्या किया, लोग इस किस्म से तो जुड़ेंगे नहीं ना,
वही 5000 से बढ़ता है, तो कैलकुलेशन कैसे करने का, तो कंपनी ने क्या किया, 300 बाइनरी का एक जीरो निकाला, 600 का एक जीरो निकाला, 1100 का एक जीरो निकाला, तो 30, 60 और 110 पॉइंट बनाए। अब होता क्या है, देखिए एक आदमी जुड़ गया करंट अकाउंट से 60 पॉइंट, बराबर यहां देखिए 110 पॉइंट, 60 पॉइंट, 30 पॉइंट, ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाए, 2800 वाले के 30 पॉइंट, 5000 वाले के 60 पॉइंट, 9000 वाले के 110 पॉइंट, पॉइंट जब मैच हो जाते हैं, 460 पॉइंट मैच हो गए, 460 490, तो 460 मैच हो गए, 4600 दे दिया, 30 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के लिए। कोड है कौन सा, करंट अकाउंट, मैक्सिमम कितना मिलेगा 75,000, यानी कि 7500 पॉइंट लेफ्ट और 7500 राइट मैच करोगे जो जो वीक में, वहां आपको 75,000 मिलेगा, उससे ज्यादा मैच करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इससे बड़ा कोड होता तो आप 13,000 पॉइंट मैच कर सकते थे। क्लियर, नेक्स्ट। अब टाइम बाउंड अवार्ड रिवॉर्ड है, जुड़ने के तुरंत बाद अगर आप 25 पैर कर लेते हैं 20 दिन में, 25 पैर पॉइंट, एक पॉइंट को क्या कहते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट है तो एक पॉइंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 0.75 पॉइंट, और आपका अगर प्रीमियम अकाउंट है तो 1.5 पॉइंट मिलता है। इस तरह ये अकाउंट होता है। अगर ऐसे वाले दो आए, दो पैर हुई तो 3 पॉइंट मिल जाते हैं। ऐसे 25 पॉइंट मैच होने पे ब्रांडेड कपल वॉच, नेक्स्ट 100 पैर पॉइंट मैच होने पे 60 दिन के अंदर ब्रांडेड लैपटॉप, 100 दिन के अंदर 200 पॉइंट मैच होने पे आपको 80,000 रुपए का गोल्ड, इस तरह के अवार्ड रिवॉर्ड मिलते जाते हैं। देखिए इधर 50 लाख है, ये सब ले सकते हैं अगर स्पीड काम की रखी तो, लेकिन स्पीड को मैच नहीं कर पाए, अगर चुप गए तो नो टाइम लिमिट में भी 19 लाख रुपए के अवार्ड रिवॉर्ड है। कभी भी लीजिए आराम से, जब पसंद में लीजिए।